इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आज जन अधिकार पार्टी ढाका विधानसभा के अंतर्गत संगठन का एक मीटिंग हुआ है, एक बैठक थी जिसकी अध्यक्षता ढाका और घोड़ासान के प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा किया गया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 14 नवंबर से जन अधिकार पार्टी एक सदस्यता अभियान चलाएगी, जो ढाका विधानसभा के 3700 पंचायत और नगर पंचायतों में लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि जन अधिकार पार्टी क्या है, पप्पू यादव जी से क्यों जुड़े, क्या क्या ऐसी हमारा एजेंडा क्या है, जन अधिकार पार्टी क्या सोचती है, जो हमारा मंथन शिविर के बाद जो दो चीजें निकल के आई, जनता ही सरकार और न्याय के साथ रोजगार, इन दोनों चीजों को लेके हम लोग ढाका विधानसभा के हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाएंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा है कि आने वाले समय में हम लोग संगठन विस्तार भी करें और साथ ही साथ जनवरी के महीने में हम लोग एक अलग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं गांव कचहरी यात्रा। हम लोग ढाका विधानसभा में गांव कचहरी यात्रा पे निकलेंगे, जहां कचहरी मतलब लोगों का एक समूह लगाया जाएगा, जहां हम लोग बैठेंगे, चीजों पे चर्चा होगी, उस पंचायत की बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और आदरणीय पप्पू यादव जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। सर, आपने कहा जनता ही सरकार, अगर आपकी सत्ता आती है तो जनता कब तक सरकार रहेगी? सर, जनता ही सरकार, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। बिल्कुल बताइए। वोट भी जनता देती है, टैक्स भी जनता देती है, आपको 5 साल के लिए उनके जगह पर नीति और उनके लिए काम करने के लिए आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, मतलब एक वकालत। आजकल डिजिटल की बात हो रही है, जो सब कुछ मोबालाइज हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो हम क्यों नहीं अपने कर्मचारियों को दफ्तरों से निकाल के पंचायतों तक और वार्डों तक और गांवों तक क्यों नहीं भेज सकते हैं? इसमें क्या कठिनाई है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को? हम बहुत ही साधारण सी बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम साधारण सी बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कुर्सी गर्म करते हैं उनके, वो निकलेंगे सड़कों पे, वो गांव तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, यही है जनता ही सरकार। सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप कहते हैं बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। बिल्कुल। ढाका में क्या बदलिएगा? सर, ढाका में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे ढाका 1972 में बना हुआ अनुमंडल है, जब हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का बंटवारा हुआ था तो सबसे पुराना अनुमंडल है। आज यहाँ एक महाविद्यालय नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? ये जो सरकार केंद्र में बैठी है कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों का ड्रॉप आउट परसेंटेज इंटर करने के बाद 72% हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं, तो आप नौकरी कहां से दोगे? सरकार कहां से बेटी पढ़ाओगे? हमने 2017 में बात कहा था कि बदलेगा ढाका, जब तक मेरा घर नहीं बदलेगा हम बिहार क्या बदल देंगे? जब तक मेरा दरवाजा साफ नहीं होगा हम झाड़ू लग कैमरे पर झाड़ू लगा के प्लेटफॉर्म साफ करें? पहले अपने सामने अपने रोड पर चलने की सड़कों सड़क तो साफ कर नहीं पा रहे हो और फोटो खिंचाने के लिए प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड साफ कर रहे हो। ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए, घोड़ासान में बस स्टैंड होना चाहिए, ये बदलेंगे हम। हम एम्बुलेंस की सुविधा पचपकड़ी चैनपुर ढाका और घोड़ासान अस्पतालों में बहाल कराएंगे, ये बदलेंगे हम ढाका को। 35 केंद्र। सर, यहीं पे रोकना चाहेंगे। और आपने कहा कि ढाका में बस स्टैंड लाएंगे। बिल्कुल। बस स्टैंड क्यों लाएंगे? क्योंकि तो मुद्दा बन जाता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो उसी को मुद्दा बना के लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बदल दिए तो खेल ही खत्म हो जाएंगे। सर, बहुत मुद्दे हैं। अगर नेतागिरी करना है, अगर नेता बनना है और जनता के लिए संघर्ष करना है तो इस दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और उन नेताओं को, उन पावर फाओं को जाके बता दीजिए कि मुद्दों की कमी नहीं है। जब अभिजीत सिंह ने 12 जनवरी 2022 को फुलवरिया घाट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ईमेल के द्वारा तो 15 तारीख को आनन फानन में पूजा करना पड़ गया। आज बस स्टैंड की बात कर रहा हूं, सड़कों की चौड़ीकरण की बात कर रहा हूं। आप अगर विधायक, अभी यहां के जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सदन में बस स्टैंड के ऊपर
ट्रेन ठहराव के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर कितनी बार इस बात को बोलते हो? आपने फुलवरिया घाट का मुद्दा कितनी बार सदन में उठाया? बस स्टैंड की बात कितनी बार किया आपने? एम्बुलेंस है आपके यहाँ? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया, जब उसका नियो डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों पे। काम भी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए, थोड़ा सदन में कुछ बोल भी लीजिए। आप बोलते हो क्या मोतिहारी में एयरपोर्ट चाहिए, तो मोतिहारी के विधायक बनिए। जो ढाका की बात नहीं करेगा, जो घोड़ासान की बात नहीं करेगा, उसे यहां से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, उसे यहां का प्रतिनिधि कराने का कोई अधिकार नहीं है। जो यहां के बच्चों की बात नहीं करेगा, जो यहां की बेटियों की बात नहीं करेगा, जो यहां की शिक्षा की बात नहीं करेगा, जो यहां की रोजगार की बात नहीं करेगा, जो यहां की स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसको यहां का प्रतिनिधि कतई नहीं रहना। यही बदलेंगे ढाका में, इसी बदलाव को मैंने नाम दिया है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। अच्छा सर, जब अपने चुनाव लड़ेंगे तो इन सब शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को मुद्दा लेकर लड़ेंगे, लेकिन ढाका में अक्सर देखा जाता है हिंदू मुसलमान की मुद्दों को उठाकर राजनीति रोटी सेकते हैं और हिंदू एक साइड हो जाते हैं और मुस्लिम एक साइड हो जाते हैं और सिर्फ यही जय श्री राम और अल्लाह का नाम लेकर लोग वोट कर देते हैं। तो आपकी मुद्दा कब तक उसमें कायम रहेगा? सर, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, जो आप मेरे साथ पूछ रहे हो, ये मेरे पहले चुनाव में ही मैंने एजेंडा बनाया था। ठीक है, मैं पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो मैंने पहले ही बिल्कुल पहली लाइन थी, मैं सरकारी तनख्वाह पेंशन नहीं लूंगा। वो मेरा एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट दिया, तब मैंने जाके नॉमिनेशन दिया 20 तारीख को। आप जाके मेरा पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराना फुटेज देखिए। वो स्कूल और कॉलेजों के मरम्मत और छोटे छोटे कामों में वो तनख्वाहें, वो पेंशन जाएंगी, पहली बात। दूसरा, जब मैं ढाका का चुनाव लड़ा तो मैंने ढाका का एजेंडा तय किया, ढाका में क्या बदलाव की जरूरत है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये मुद्दे आज भी हैं और इनकी लड़ाई में आज भी लड़ रहा हूं और मैं आगे भी लड़ूंगा। जहां तक धर्म की बात है ना, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, धर्म के चोले और धर्म की और जाति की बैसाखी से आप कब तक सदन में बैठे रहोगे? एक न एक दिन आपको गिरना पड़ेगा। लेकिन जो संघर्ष हम कर रहे हैं और हमारी पार्टी कर रही है, वो संघर्ष जब रंग लाएगी ना, तो हमें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाओगे। ये अंतर है।